आप लोग टांग लड़ाते हो, लेकिन इस करप्शन के ऊपर आप खामोश क्यों हो? हफीजुर रहमान सरकार आज जिस ढगर पे गिलगित बल्तिस्तान को लेके जा रही है, इस पे आप लोगों ने अपनी आंखें क्यों बंद रखी हुई है? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ 6 जमाती अपोजिशन को, इन 6 की 6 जमातों ने कल को इलेक्शन में जाना है। एक ऐसे जो 3 किस्म के लोग इसके अंदर एलिजिबल होते थे, ये मौसूम 3 कैटेगरी इसमें नहीं आता था, सिर्फ चंद लोगों के साथ वफादारियां निभा रहा था, चंद लोगों के टुकड़ों पर पलता था। उस बुनियाद पे 2 सीनियर जजेस का नाम नीचे नुक्कों पे और 3 पे रख के उसको रिकमेंड किया गया, बल्कि एडवाइस किया गया वजीर आजम पाकिस्तान को कि इस बंदे को किया जाए। किस कैपेसिटी में? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि मुझे कोई मुतमईन कराए ये किस तरह एलिजिबल है। दूसरी बात, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक फैसला दिया है, 17 जनवरी, उस समरी में शामिल किया गया। कानूनी तौर पर होना यह चाहिए था, कानून उसका ये एलिजिबिलिटी उसकी ये बनती है, या तो 21 ग्रेड का कंफर्म ब्यूरोक्रेट हो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उम्मीदवार बन सकता है। पूरा महीने से साबित करूंगा मैं, 16 अप्रैल को वही जज जिसने मुझे जेल भिजवाया, 30 अप्रैल को यह कह के जेल भिजवाया कि 2 अप्रैल को मैंने इसकी जमानत मंसूख की थी, अगर तूने 2 अप्रैल को अपने किसी मुलजिम की जमानत मंसूख की थी तो उसी मुलजिम से 16 अप्रैल को मोबाइल पे कॉल करके हिमायत की भी क्यों मांग रहा था पूरा आधा घंटा? यह मैं असेंबली में पूछना चाहता था, मैं डरते वरते नहीं हूं इनसे, असेंबली में पूछना चाहता था, लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूं वहां गन पॉइंट पे असेंबली चलती है, वहां हमें बोलने नहीं दिया जाता है। आज अगर मैं साबित नहीं कर सका, ये रियासती अदारों को मैं चैलेंज करता हूं, 16 अप्रैल की कॉल रिकॉर्ड निकलवाएं, अगर उस जज ने मुझे फरियाद नहीं की, हिमायत की भीख नहीं मांगी है, तो मैं इस सीट को कुर्बान करके घर चला जाऊंगा। उसके बाद मैं गिलगित आता हूं, गिलगित में मेरे पीछे कैबिनेट के एक मिनिस्टर को लगाया जाता है जो 3 घंटे मुझे यरगमाल बनाए रखा कि आपको अंदर कर रहे हैं, मैं आपका पेशअप करवाता हूं। मैंने कहा अंदर जाने के लिए तैयार हूं, ये हमारे बेमार करबला का सुन्नत है, मैं हथकड़ी उस चैन से पहनता हूं जब भी पहनता हूं, तो ठीक है कि मैंने डील नहीं किया। आखिर में उन्होंने वो किया, और ये बात मैं असेंबली में वाजे कर देना चाहता था, इसको तो मैं सुन्नत समझता हूं, इसको सादत समझता हूं, इससे आप नहीं डरा सकते हो। रह गए मिसिंग पर्सन की, अच्छा इसके बाद मैं दूसरे नंबर पे सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के जज पे आता हूं। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का एक जज सब आया गिलगित में, उसने हेल्प भी लिया, हम बेबस लोग हैं, हम मजलूम कौम है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं उस जज साहब से मेरा कोई जाती अनाद है। सैयद अरशाद हुसैन शाह उनका नाम है, अगर वो आले सादात है तो मेरे लिए वो मेरे सर का ताज, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन पूरे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की तोहीन करके किसी को इस तरह लाना, मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है। हमारी असेंबली सो कॉल्ड या तो क्लियर कहें कि यार तुम लोग अभी भी गुलाम हो, हम तुम्हें गुलाम ही रखते हैं, तो बस ठीक है, हमें जो करते जो मर्जी करे, हम वो गुलामी का उधर से चंद लोगों को नवाज रहे हैं, चंद लोगों को मराहत दे रहे हैं कि असेंबली दिया, इख्तियार दिया, ये दिया वो दिया, कहां है उस असेंबली की औकात? 2 तारीख को उस असेंबली से करारदाद पास होती है कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फैसले के तनाजुर में जुडिशल कमीशन के थ्रू अमल में लाया जाए, उसके अलावा कोई जज हमें काबिल कबूल नहीं है, और उसके बरअक्स 3 तारीख को उसका नोटिफिकेशन करके ये साबित किया जाता है कि तुम लोगों को हम कुछ भी नहीं, तुम हमारे गुलाम हो, हमारी गुलामी के ऊपर सिस्टम लगाया गया है। एक तरह से मिसिंग पर्सन की बात आती है, कराची की माए बहने बराखत असेंबली के इजलास में मैं पढ़ूंगा, आज यहां नहीं पढ़ूंगा। एक खानदान के 5-6 लोगों को हरासा किया गया, एक बंदे की बीवी जो बैरून मुल्क मजदूरी कर रहा है
उसकी बीवी को भी हरासा किया गया। ये आखिर कब तक? अगर कोई किसी के ऊपर कोई एलिगेशन है, कोई इल्जाम है, मुकदमा कायम करे, 100 बार पकड़े, हम आने के लिए तैयार। हम जो खत लिखता है, एक बहुत लंबा चौड़ा खत है मेरे पास, इंटरनेट में मैं सबसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन उसने मुझे वादा लिया है कि सबसे पहले आप असेंबली में यह पढ़ेंगे। वो आप तहफुज मांग रहा है असेंबली से, असेंबली मुझे तहफुज दे ताकि मैं आज अपनी सफाई पेश करूं। हम क्या तहफुज दें? हम खुद मजलूम है। हमारी असेंबली ये तो कठपुतली है, ये सो कार्ड चंद लोगों की महाराज की तहकी की असेंबली है। वहां पे ना किसी को बोलने का हक है, न किसी के मसाइल सुने जाते हैं, न वहां की करारदादों की कदर है, न वहां की रूलिंग्स की कदर है। एक ऐसी असेंबली में हम बैठे हुए तो हम तुम्हें क्या तहफुज देंगे? तहफुज मांगो अल्लाह से और पाक पंचतन से तहफुज मांगो जिनके तुम लोग मानने वाले हो। और गिलगित बल्तिस्तान करप्शन इस वक्त तारीख एक रकम हो चुकी है गिलगित बल्तिस्तान में, कोई पूछने वाला नहीं है, खुदा शाहिद है कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोग गवाह होंगे पिछले सेशन में, पिछला जो बजट पेश हुआ, हाजी साहब मेरे साथ खड़े हैं, हमने उस बजट अजलास का बायकॉट किया, मुंह में रोजा रख के हम चीखते पीटते रहे और हमारी चीख को पुकार में बजट पास किया गया हमारी मर्जी के खिलाफ। हम उसके कापियां फाड़ते रहे, वो तकरीर करते गए। वजह ये थी जिस कानून के तहत, जिन जवाहिद के जवाबित के तहत, जिस रूल ऑफ प्रोसीजर के तहत हमारी गिलगित बल्तिस्तान की सोकाल असेंबली चल रही है, उसमें वाजे लिखा हुआ है कि बजट साजी में मेंबरान शामिल किए जाएंगे। जबकि हमने रिक्विजिशन पे इजलास बुलाया और बार बार दरख्वास्त की कि प्री बजट सेशन करवाएं, जो मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब है कि लाजिमी है। एक तो होता है कि बुलाया तो बुलाया, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, ऐसा नहीं है, लाजिमी है। 4 दिन का बजट अजलास होगा, वो भी फरवरी और मार्च के महीने में। उसमें तमाम मेंबरान के प्रपोजल्स उसमें लेके सरकारी स्कीमें जो बनती है, तमाम इलाके के मसाइल वहां डिस्कस होंगे, उसके बाद जो है बजट बनाया जाएगा। और वही तारीख इस दफा फिर दोहराई गई है। मेरे वजीर अपना गवर्नर तक, वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी, कोई मैंने फोरम नहीं छोड़ा है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मैंने तमाम को खुदूर लिखे कि भाई पिछले साल भी आप लोगों ने प्री बजट सेशन को अवॉइड किया, जो बजट आ रहा है जिलगित, हमें वफाकी हुकूमत से कोई गिला नहीं है। यहां तक कि मुस्लिम लीग नून की जो वफाकी हुकूमत थी उससे भी मुझे कोई गिला नहीं था। वो भी अपनी बसात के मुताबिक हमें खैरात जकात के टुकड़े भेजते रहे, लेकिन उनकी तकसीम यहाँ पे वो है उसमें नहीं होती है। अभी भी यहाँ बंदरबाट है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान के 900 से 4 ठेकेदारों के गिरद घूम रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं रोजे में किसी की दिल आजारी नहीं करवाना चाहता। आप सब समझते हैं कि वो कौन है, 4 ठेकेदारों का गिर गिलगित बल्तिस्तान का पूरा नजर इस वक्त घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इस दफा भी मैंने तमाम फोरम्स को इन्फॉर्म किया, हम बजट का फिर से आप बायकॉट करते हैं, क्योंकि आपने एक दफा फिर कानून की वायलेशन की, आपने कानून की धजियां उड़ाई, लिहाजा हम इस बजट को भी मुस्तरद करते हैं। और इस बजट में भी सवाए ये हाफिज रहमान अपने हल्के की सियासत के, और कोई इलाका उसको नजर नहीं आता है। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ इसमें मिल्लत तशय्यो जो है वो उनको नुकसान हो रहा, नहीं, दियामर की आवाम, मजलूम आवाम भी फिसी हुई है। जो उनकी 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 हिमायत के नहीं है वो वहां भी फिसे हुए हैं, गिजर में भी लोग फिसे हुए हैं, हर इलाके में भी यही कुछ हो रहा है। लेकिन इससे पूछने वाला नहीं है, मुतलिका जो हुकाम है उन लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई है। दियामर की एक खातून मिनिस्टर जो हक की बात करती थी, जो सच्चाई की बात करती थी, असेंबली के अंदर भी अपने इलाके के लिए उसने आवाज उठाई, हक की बात की, और कल इमरान खान की कापी बनने के चक्कर में उस खातून के ऊपर हाथ डाला, कोई और उसको नहीं मिला। जबकि उसको अपने गुजरा, दियामर के गुजरा सारे के सारे उसको गाज नहीं डालते हैं। वहां गया तो उसको किसी ने लानत भी नहीं भेजी, उसको कोई रिसेप्शन ने भी नहीं किया। इसी तरह 6 वज़रा ने आप सबके सामने
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बावजूद उनके ऊपर हाथ डालने की जुरात नहीं कर रहा है। सिर्फ वो खातून मिल गई थी, उसको मिसाल बना रहा है बाकियों के लिए। इस तरीके से वो मजलूमों की आवाज, हम उस खातून के साथ भी खड़े हैं, उसके साथ जुलम हुई, उसके साथ ज्यादती होगी, उसकी हम भरपूर अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। मैं आप सबसे मुजम्मत की तवक्को करता हूँ। तो रमजान का महीना है, मेरा अपना गला में बीमार भी हूँ बैठा हुआ है, इतने मसाइल है, मैं पूरे मसाइल यहाँ पे अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो असेंबली का वो भी फोकस भी अंदर है, क्योंकि वहां बोलने नहीं दिया जाता है। यहाँ तो कोई मुझे नहीं रोक सकता है, न मुझे कोई वजीराला रोक सकता है, न मुझे कोई स्पीकर, न कोई रियासती इदारे मुझे यहाँ रोक सकते हैं। ये मेरा बेहतरीन फोरम है, और मैंने वहां कहा लैंड रिफॉर्म कमीशन के हवाले से पिछले सेशन में, आज से एक हफ्ते पहले जो सेशन जिसमें मैं प्रोटेक्शन ऑर्डर पे किया था असेंबली, वहां मैंने उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। उसके अंदर ये जो लैंड कमीशन, लैंड रिफॉर्म्स कमीशन का जो ड्रामा मचाया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो ये ड्रामा है। मैं इस ड्रामा इसके मुलाजमीन है अंदर, चाहे वो उसके उजरा है या चाहे वो उसके सेक्रेटरीज है, सारे उसके मुलाजमीन है, उसकी मर्जी के अलावा वो काम नहीं करते हैं। एक साजिश के तहत और मखसूस इलाकों को और मखसूस लोगों की जमीनों को हथियाने का सिलसिला जारी है उस कमीशन के थ्रू, और वही कमीशन मंजूरियां भी दे रहा साथ साथ। तो लिहाजा इस कमीशन के ऊपर हम अदम एतमाद में असेंबली में भी कर चुका हूं और यहां भी करता हूं, बरमला आप लोग मेरा साथ है, इसके ऊपर हम अदम एतमाद करते हैं। और यहां की एक एक जमीन, यहां का एक एक दर्ज जो है गिलगित बल्तिस्तान के मकीनों की मलकियत है, इसमें हम कोई किसी खाने से सरकार को नहीं मानते। और चीफ कोर्ट और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के जजेस के हवाले से बड़ा क्लियर कट फैसला आया हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज कर रहे हैं, हम कंटेंट पे जा रहे हैं, तो इन अदालत का केस भी हम दायर कर रहे हैं। उसके तहत जो जितनी समरियां भेजी गई, ये सारी समरियां सबसे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, उसमें चाहे जिस किसी का भी नाम है, अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर ये समरी मूव की गई है, उस समरी पे हम अदम एतमाद करते हैं, उसको वापस लाएं, उसके बाद अपोजिशन को एतमाद में ले और गैर मुतनाज़ जज को इलेक्शन कमिश्नर बनाए, ताकि आने वाले इंतखाबात को जो है वो क्या कहते हैं फेयर तरीके से इनका इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। और सुप्रीम अपीलेट को चीफ कोर्ट के जजेस के हवाले से जो जुडिशल कमीशन ने एक मुकरर हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, उसके फैसले का ऑलरेडी हिस्सा बन चुका है, और ये इन जजेस की तैनाती उस कमीशन के थ्रू होनी चाहिए। उसके अलावा कोई किसी तरह की समरी, बेशक शाह साहब हमसे नाराज हो जाए, हमारे मेहमान है गिलगित में, हम मेहमानी का हक अदा करेंगे, लेकिन हम उसको चीफ जज तस्लीम करने में हम हजरत ख्वाह हैं, हम उसको चीफ जज तस्लीम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ से गिलगित, जब कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से चीफ जज नहीं जाता है, कश्मीर का होता है, तो ये इलाका भी मुतनाज़ा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भी, यहाँ पाकिस्तान से किस लिए आता है, वो भी एक जज भी नहीं है, एक अटॉर्नी जनरल को हमारे ऊपर चीफ जज बना के, क्या ये कौम, इस कौम के साथ मजाक नहीं है? तो आने वाले जजेस के हवाले से भी ये तमाम मुतनाज़ा समरियां जो इनको टर्न डाउन होनी चाहिए, नई समरियां हो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक ये समरियां मूव की जाए, उसमें हम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। बाकी इसके हवाले से ये तहरीक जब तक चलेगी, उसके हर अवल दस्ते में मुझे एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन में इस तहरीक को लीड करने के लिए तैयार हूँ, और इंशाल्लाह मेरी अपोजिशन की पूरी टीम इस तहरीक की, क्योंकि ये तहरीक कोई तशेयों की तहरीक नहीं है। मैं एक बार फिर वाजे करता हूँ, ये मजलूमीन जहाँ भी जिस किसी के ऊपर भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ तहरीक चलाने वाली एक तहरीक है, हिमायत करने वाली तहरीक है। इसमें मैं समझता हूँ कि मेरी पूरी अपोजिशन की टीम भी आप लोगों के साथ हम वक्त खड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हम बहुत वक्त यहाँ गुजर चुका है, अब मजीद मैं आपसे ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। मुझे एहसास है रोजे का है, और वादा भी किया गया था कि आपसे कम से कम हम खिताब करेंगे, लेकिन हालात ऐसे हैं। मैं मुख्तसरन दो चार बातें आपके खिदमत में अर्ज कर लूंगा। खालिस है सरकार तो ये मेरिट, और वो सिर्फ मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, खालिस है सरकार खत्म हुआ तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाजिया है, बात खत्म हो गई।
अब कल मैं आपकी तहरीर लेना चाहता हूं। कल एक लेटर आया, कल नहीं बल्कि दो तीन दिन पहले, उस लेटर में इन्होंने अहले तशय्यो अहले सुन्नत को कुछ जमीन अलाट किए, 100 कनाल अहले सुन्नत को, 100 कनाल अहले तशय्यो को, और इनको यकीन करे गिलगित का अमन गवारा नहीं। जान बूझ के इन्होंने उस जगह इन्होंने जमीन अलाट की है जहां अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि फायरिंग हुई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि जान बूझ के फिर उसी जगह में तुमने ये जमीन अलाट क्यों की है? मैंने इसके खिलाफ इनको लिखा है कि ये हमें मंजूर नहीं, आपको भी मंजूर नहीं? जान बूझ के यहाँ आपकी जमीन मालिक ये बने हुए हैं। एटीए की बात बताऊं मुख्तसर, एटीए असेंबली के अंदर भी इस पे बात हो चुकी है, इसको सिर्फ अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो जरा आवाज उठाए उस आवाज को दबाने के लिए एटीए का इस्तेमाल किया जाता है, हमें कतान मंजूर नहीं। जिस तरह असेंबली ने कहा कि एटीए खत्म करो, हमारा भी मुतालिबा है कि एटीए के खत्म करो। आज तक सिर्फ हमारी जुबान बंदी के लिए इस्तेमाल की गई है, और इन सरकार पे कोई एतमाद न करो, तुम खुद सोचो, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। ये इकबाल ने उस जमाने में कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। यही हालत तुम्हारी होगी, होश में आओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एक मुहिदा हुआ 1990 में, उस मुहिदे के परखचे उड़ाए गए इसलिए कि हम खामोश थे, इसलिए कि हमारी जुबान से कोई हुआ उफ की आवाज नहीं आई। उन्होंने अपने मर्जी से कंस्ट्रक्शन शुरू किए, हम रोए चिल्लाए चीखे, और फिर उन्होंने कहा चलो एक नया मुहिदा करते हैं। उस नए मुहिदे को हुए गालिबन 6 महीने हुए, आज तक उस मुहिदे पे अमल नहीं हो रहा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उस मुहिदे में आप लोगों ने माना है गिलगित के आवाम के हक मिलकियत तस्लीम की है, और फिर आज अपने वादे से मुकर के अपनी मनमानी पे उतर आए हैं इसलिए कि हम खामोश हैं? मेरी बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अगर इसी तरह हम अपनी आवाज अपना एहतजाज बुलंद करते रहे तो किसी की मजाल नहीं कि आपके हुकूक पे डाका पड़े। होश में आओ और अपना एहतजाज वक्तन फवक्तन इसी तरीके से रिकॉर्ड कराते रहो। और मैं आखिर में हिमायत मजलूमीन के मुंतजमीन का हर जगह पे इस वक्त रैलियां मुनक्कद की जा रही है, अगले राय हमल इंशाल्लाह इसके बाद आपको दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है आप मतवज्जो रहें ताकि अगले राय हमल का ऐलान आपको बहुत जल्द कर दिया जाएगा, उसके मुताबिक इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी मुख्तसरन मैं चार्टर ऑफ डिमांड आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इस तकरीब का इख्तिताम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फैसले के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को तमाम तर बुनियादी इंसानी हुकूक दिए जाएं। नीज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट चीफ कोर्ट के जजिस की तैनाती के हवाले से गैर कानूनी तरीकेकार को खत्म करके जुडिशियल कमीशन के तहत जजिस की तैनाती व चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से प्री पोल रैंकिंग को मद्देनजर रखते हुए भिजवाई गई समरीस की वापसी, जजिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मेहनत पर तैनाती को यकीनी बनाया जाए। अल्लाह अकबर। नंबर दो, मुल्क पाकिस्तान में तमाम मिसिंग पर्सन की बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। अल्लाह अकबर। नंबर तीन, खालिस सरकार के नाम पर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की मलकियती जमीनों पर कब्जा करने का सिलसिला खत्म किया जाए। नीस जंगलात पहाड़ों समेत तमाम कुदरती वसाइल पर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का हक तस्लीम किया जाए। अल्लाह अकबर। चौथा और आखिरी, सन 13 अक्टूबर 2005 जिसमें 7
سے زیادہ مومنین شہید ہوئے تھے اور 14 سے زیادہ مومنین اس وقت جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. ایک انسانی المیہ ہے, ایک بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. اس کے تحت ہمارا یہ مطالبہ ہے, سانح 13 اکتوبر 2005 جس کے تحت 2 خواتین سمیت 7 بے گناہوں کی شہادت پر مبنی جوڈیشل انکوائری کو منظر عام پر لا کر مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اللہ اکبر.